नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। हाजिर हम एक लेटेस्ट लीगल वैकेंसी के साथ। ये रिक्रूटमेंट आपका NLU दिल्ली से होने वाला है। पोस्ट का नाम है रिसर्च असिस्टेंट लॉ। इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन के लिए आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा, जिसका लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन मिलेगा, वहाँ से आप इजली एक्सेस कर पाएंगे। उसके बाद अनाउंसमेंट वाले सेक्शन से आप इसके नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं, जिसकी लास्ट डेट है अगस्त 5, 2023। लेटेस्ट लीगल जॉब की अपडेट सबसे पहले पाने के लिए सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल विधिक पल को। नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली कॉल फॉर एप्लीकेशन फॉर द पोजीशन ऑफ रिसर्च असिस्टेंट लॉ। यहाँ पे एक कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस एंड एक फुल टाइम बेसिस रिसर्च असिस्टेंट पोस्ट के लिए एप्लीकेशन इन्वाइट किए गए हैं। इनिशियली आपको 1 ईयर के लिए इंगेज किया जाएगा, उसके बाद आपकी परफॉर्मेंस का रिव्यू किया जाएगा। अगर आपकी परफॉर्मेंस सेटिस्फैक्ट्री रहती है, उसको फर्दर एक्सटेंड किया जा सकता है एज़ पर द डिस्कशन ऑफ कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। यहाँ पे आपको जिस प्रोग्राम के लिए इंगेज किया जा रहा है उसका नाम है IPR Chair, यानी IPR रिलेटेड जो भी रिसर्च वर्क होंगे वो आपको वहाँ पे असाइन किए जाएंगे और उसे आपको परफॉर्म करना होगा। यहाँ से आप रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को डिटेल से पढ़ सकते हैं इसी नोटिफिकेशन से। इसेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो बैचलर्स डिग्री इन लॉ, आपके पास लॉ की डिग्री होनी चाहिए। अगर आपने LLM कर रखा है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, अगर आपने PhD किया है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। मंथली कंसोलिडेटेड पे की बात करें तो अगर आपने सिंपली LLB कर रखा है आपको 30,000 पर मंथ दिए जाएंगे, अगर आपने LLM कर रखा है तो आपको 40,000 दिए जाएंगे, अगर आपने PhD कर रखा है तो आपको 50,000 पर मंथ मिलने वाले हैं। अप्लीकेशन प्रोसेस की बात करें तो आपको यहाँ पर सिंपली गूगल फॉर्म फिल करना होगा। जैसे ही आप इस गूगल फॉर्म पर क्लिक करेंगे नेक्स्ट पेज में रिडायरेक्ट हो जाएंगे, जहाँ पे आपके सामने गूगल फॉर्म ओपन हो जाएगा और उसे फिल करने के बाद आप इस रिक्रूटमेंट प्रोसेस का हिस्सा बन सकते हैं। क्राइटेरिया ऑफ सिलेक्शन की बात करें तो मिनिमम जो आपकी हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन है उसके लिए 10 मार्क्स आपको दिए जाएंगे। जो भी आपने LLB में ग्रेड ऑब्टेन किया है उसके लिए 10 मार्क्स, रिलेवेंट एक्सपीरियंस के लिए 20 मार्क्स, राइटिंग सैम्पल या रिलेवेंट कोई पब्लिकेशन है अगर आपने PhD वगैरह कर रखी है तो उसके लिए 20 मार्क्स, स्टेटमेंट ऑफ पर्पज़ के लिए 10 मार्क्स, वहीं आपका इंटरव्यू जो होगा उसके लिए 30 मार्क्स। तो ये आप यहाँ से सिलेक्शन क्राइटेरिया देख सकते हैं। इंटरव्यू के लिए आपको 1:4 के रेशियो में कॉल किया जाएगा जो भी वैकेंसीज हैं। इंपॉर्टेंट डेट्स की बात कर लेते हैं तो जो लास्ट डेट है 5 अगस्त 2023 शाम 5 बजे तक आप इस गूगल फॉर्म के जरिए अप्लाई कर सकते हैं, जो कि इसी नोटिफिकेशन में प्रोवाइड किया गया है। जो आपका इंटरव्यू होगा वो कैंपस में भी हो सकता है या आपका ऑनलाइन मोड में भी इंटरव्यू लिया जा सकता है। ये डिस्कशन है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी का। दोस्तों, इसके नोटिफिकेशन में जितनी भी इंपॉर्टेंट जानकारी थी वो हमने आपके साथ शेयर कर दी है। फर्दर इन्फॉर्मेशन के लिए आप इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन को वेट कर सकते हैं, जहाँ से आपको गूगल फॉर्म का लिंक भी मिल जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है वीडियो को लाइक कर दें, अगर आपने चैनल पर पहली बार विजिट किया है चैनल सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।